है धानुका के ऑफिस में। यहीं से खेती की नई तकनीक, नए विचारों को साकार रूप दिया जाता है। आइए मुलाकात करते हैं श्री एम के धानुका मैनेजिंग डायरेक्टर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं अपने धानुका के ऑफिस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम धानुका के ऑफिस में पहुंच गए हैं। सो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी कामयाब कंपनी है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो कामयाबी की बुलंदियाँ ये जो कंपनी छू रही है उसके पीछे क्या वजह है? हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने हमें कुछ वैल्यू सिस्टम सिखाए थे, तो उन वैल्यूज़ के ऊपर में हम लोग अमल कर रहे हैं और जो नई जनरेशन है वो भी अमल कर रही है। धानुका एग्रीटेक, या यूँ कहें कि कीटनाशक बनाने का आपको आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो जो धानुका के प्रमोटर्स थे वो पहले साउथ इंडिया के अंदर में फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशक दवाइयों का वितरण करते थे और किसानों से रेगुलर टच में थे, तो उनकी दुर्दशा देख के काफ़ी मन को पीड़ा होती थी कि इतनी मेहनत, जो कि किसान हमारा अन्नदाता है वो इतनी मेहनत करता है, लेकिन कीड़ों और बीमारियों के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम कृषि रसायनों का उत्पादन करें और किसानों को जो उसकी मेन प्रॉब्लम है बीमारी और कीड़े, उनसे निजात दिलाने की कोशिश करें। तो इस तरह से धानुका ने कृषि रसायनों का उत्पादन शुरुआत की। बाज़ार में और भी कीटनाशक कंपनियां हैं, तो धानुका अलग कैसे है? धानुका ने बाहर की 4 अमेरिकी और 6 जापानीज़ कंपनीज के साथ टाई अप किया। जो नई रिसर्च होती है वो भारत में नहीं होती है, जापान, अमेरिका और जो डेवलप नेशंस हैं वहीं पे होती है। तो उन कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके नए नए प्रोडक्ट्स जो कि इको फ्रेंडली है, लेस टॉक्सिक है, सेफ़र फॉर एनवायरनमेंट है और जिनमें रेजिड्यूज़ की मात्रा बहुत कम है, ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स भारत में लेके आई है। और धानुका ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर में 20 से ज़्यादा नए उत्पाद पहली बार भारत में लेके आई है। धानुका जो कंपनी है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है पेस्टिसाइड्स के, जिनसे किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। सो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। धानुका के पास 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिए हुए हैं। हमारे पास सभी प्रकार की खेती के लिए जितनी प्रकार की फसलें होती हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे फल हैं, सभी प्रकार के फसलों के लिए और ज़्यादातर बीमारियों और कीड़ों के निदान के लिए सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और उन दवाइयों के द्वारा हमारा 8,000 से ज़्यादा वितरकों का ताना बाना पूरे भारतवर्ष में है। 4 हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, करीब 25 के करीब हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं सभी भारत के प्रमुख राज्यों के अंदर में। और ये 8,000 विक्रेता 80,000 खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से करीब 1 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों तक धानुका खेती की नई तकनीक के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी पहुंचाते हैं। सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक ट्रेनिंग धानुका डॉक्टर्स जो कि धानुका सलाहकार हैं किसानों को सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की तकनीक उपलब्ध कराते हैं। सर, आपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, हम धानुका के ऑफिस में हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे हुआ और यहाँ पे काम कैसे होता है? हाँ, धानुका के पूरे भारतवर्ष में लगभग 1300 एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें से करीब 150 एम्प्लॉयज़ जो हैं ये कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर में बैठते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के साथ अपने आप को अटैच पाते हैं। पहले दिन से ही मुझे ये लगा था कि धानुका इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव एक्सेल्ड इन माय प्रोफाइल ओवर हियर। मर्ज होने के बाद कंपनी की उस टाइम की शेयर होल्डर जो थे सिर्फ 2,000-1,900 के करीब थे, जो कि आज 21,000 है। तो कोई भी कंपनी का जब अच्छा माहौल होता है शेयर होल्डर भी तभी उससे जुड़ता है। प्रोफेशनली मेरे लिए बहुत ही अच्छा टेन्योर है धानुका में, क्योंकि धानुका ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा गर्व की बात ये लगती है कि हम किस
जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एक फार्मर्स के लिए, एक देश की जो भूख है उसको मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। धनुका एग्रीटेक लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए नए जो दवाइयां हैं पोस्ट रक्षण दवाइयां, उनका अनुसंधान कर और उनकी पूरी टेस्टिंग करके रजिस्ट्रेशन करके किसानों को देती है। भारत देश में नई पोस्ट रक्षण दवाइयों का अनुसंधान नहीं होता है, तो हमने जापान की 6 कंपनियों से तकनीकी सहयोग किया है और उस तकनीकी सहयोग से वो जो अनुसंधान करते हैं नई दवाइयों का, वो दवाइयाँ हमको मिल जाती हैं उसमें से जो हमारे लिए सूटेबल होती हैं, उनका हम यहाँ पे ला करके पुनः विस्तृत गहन अध्ययन और परीक्षण करते हैं और उसके बाद में फिर भारत देश का जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उस पर हम जाते हैं। धानुका का नारा है धानुका खेती की नई तकनीक, उसके द्वारा किसानों का कैसे मैक्सिमम फ़ायदा कराया जाए, इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। धानुका का जो प्रोसेस है कि हम नए तकनीक को जो बाहर से विदेशों में उपलब्ध है डिफरेंट कंपनी से हम लेके आते हैं और उसको एक हम सॉल्यूशन का तरह प्रोवाइड करते हैं, ना कि हम एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं जो डिस्प्ले पे लगे हुए हैं तो किसानों तक पहुंचते हैं, इसी से समाधान निकलता है उनकी कई परेशानियों का, समस्याओं का। जैसा कि आप देख रही हैं ये सेम्प्रा है, ये अभी 2 वर्ष पहले धानुका ने निसान केमिकल जापान की कंपनी के साथ में टाई अप करके पहली बार इंडिया के अंदर में लेके आए। और मोथा जो कि एक वीड है जो किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होता है, सेम्प्रा सिर्फ ऐसी दवाई है जो कि उसको कंट्रोल करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है धानुका का, और जो किसानों तक ये धानुका नई तकनीक पहुंचाई जा रही है ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। और तीसरा जो नए नए प्रोडक्ट्स हर वर्ष जो कि इको फ्रेंडली लेस टॉक्सिक और लेस रेजिड्यूज वाले हैं, पहले अगर 1 किलो दवाई अल्टीमेटली देखिए जो भी कृषि रसायन है वो पॉइजन्स हैं और पहले 1 किलो पॉइजन जो है एक हेक्टेयर खेती में यूज़ होता था, लेकिन अब रिसर्च करके इतनी जो नई दवाइयाँ आ गई हैं वो 20 ग्राम 25 ग्राम सिर्फ इतनी ही दवाई एक हेक्टेयर में यूज़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इको फ्रेंडली और लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिसर्च करके धानुका बाहर की कंपनियों के साथ कोलाब्रेशंस करके भारतीय किसानों तक पहुंचा पा रही है। हमारा स्वप्न है कि जो भारतीय किसान जो अन्नदाता है देश का, उसको जो है उसकी गरीबी किस तरह से दूर हो और उसकी जो भी समस्या है कीड़ा और बीमारी की, वो हर एक का निदान हम बाहर की कंपनियों के साथ टाई अप करके भारतीय किसान को दे सकें, ये धानुका का स्वप्न है। सर, आपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और किसानों तक पहुंचाते हैं, और किसी भी कंपनी में एक मैन पावर और वो भी स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो किस तरीके से वो मैन पावर का रोल यहाँ पर धानुका को बनाने में है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी मैन पावर का होता है और धानुका उससे अछूती नहीं है। धानुका की सक्सेस के पीछे भी सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो उसकी मैन पावर है और स्किल मैन पावर। आइए स्वाति, मैं आपको मिलवाता हूँ धानुका की कोर टीम मेंबर से, जिनका कि धानुका की सफलता में काफ़ी बड़ा योगदान है। आइए प्लीज़ चलते हैं। स्वाति आइए, मैं आपको ले चलता हूँ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मीट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर हर्ष धानुका। आप नए प्रोडक्ट्स, जैसे नाम के डिपार्टमेंट से हमें समझ आ रहा है कि आप नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस आप मार्केट भी करते हैं, तो किस तरीके से ये डिपार्टमेंट काम करता है, किस तरीके से आप अपने टारगेट अचीव करते हैं? तो सबसे पहले तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जो हमेशा सेफ हैं। तो किसान का फ़ायदा कैसे हो, ये हमारा हमेशा पहली कोशिश रहती है, जिसके लिए हम बाहर की कंपनियां मेनली जापान अमेरिका और यूरोप की कंपनियों से साझेदारी करके उनसे नए नए प्रोडक्ट्स भारत में लेके आते हैं जो किसान की फसल में उसको फ़ायदा भी दे और उसके पैदावार बढ़ाएँ और साथ ही साथ उसकी पैदावार है उसकी क्वालिटी को भी
बढ़ाएं ताकि उसको मार्केट में दाम अच्छा मिले, इससे उसको पूरा फायदा मिलता है। साथ ही साथ हम ये काम करते हैं कि जो नई तकनीक आ रही है उसको किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारे पास 200 से ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर्स और 1200 से ज़्यादा धानुका डॉक्टर्स की टीम है जो ये मैसेज नई तकनीक किसानों तक पहुंचाती है, उनके खेत में ले जाकर उनको प्रोडक्ट के फ़ायदे बतलाती है और उनको बताती है कि ये नई तकनीक अपनाने से उनको क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल, मैं यानी कि पूरा कुल मिलाकर जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो किसानों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं कि किस तरीके से किसानों का फ़ायदा हो, उनकी फसल अच्छी हो, आमदनी बढ़े। स्वाति, चलिए अब हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में लिए चलते हैं। मिस्टर अशोक महाजन, हेड ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ही इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग फ्रॉम लास्ट मोर देन 30 ईयर्स विद धानुका। वाओ, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, तो ब्रांडिंग की कितनी इम्पोर्टेंस होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो प्रोडक्ट या कंपनी ब्रांड से ही जानी जाती है। अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे कन्वेंशनली टेलीविज़न यूज़ होता है या न्यूज़पेपर यूज़ होते हैं, पर हमारे केस में ऐसा है कि किसान जो होता है उसको ना तो टेलीविज़न की रीच है ना न्यूज़पेपर की रीच है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो उसकी फसल है उसमें लगने वाले जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं या उसमें जो खरपतवार लगते हैं उनके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, और फिर उसका जो सही समाधान, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ करने से उनको फ़ायदा होगा, किस तरीके से उन्होंने यूज़ करना है, सेफली कैसे यूज़ करना है ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो और उनको कोई नुकसान न पहुँचे, इसकी हम छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं 15-20 मिनट की, और फिर उनको गाड़ी, जैसे छोटी गाड़ियाँ होती है टाटा एस होता है, इसमें ब्रांडिंग करके और वो टीवी लगाकर और गांव-गांव जाकर हम सीज़न से पहले या जिस समय फसल लगाई जाती है उस समय ये गाड़ियाँ गांव-गांव भेजते हैं और किसानों को इसके बारे में जानकारी देते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे क्या पहचानना है, बीमारी क्या है कैसे पहचानना है, और उसके हिसाब से फिर किस तरीके से दवाइयाँ यूज़ करना है। काफ़ी इनोवेटिव तरीके से मैं कहूँगी कि जहाँ पर टीवी नहीं है, अखबार नहीं पहुँच पाता है, आप छोटी छोटी फिल्मों को दिखाकर लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें सर आपने बताई, और आपने ये भी बताया कि किस तरीके से धानों का काम कर रहा है, किसानों तक पहुंच रहा है और उनको फ़ायदा मिल रहा है। चलते चलते आखिरी में आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कहाँ हैं, किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले समय में? आज भारत में कृषि रसायन की यूसेज है वो सिर्फ 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि ताइवान में 17 किलो, जापान में 11 किलो और सभी डेवलप नेशंस में 10 गुना से ज़्यादा खपत है। तो ये भारत में भी जब किसानों को इसके फ़ायदे पता लगने लगेंगे तो इसका यूसेज डबल ट्रिपल होने वाला है। तो इस इंडस्ट्री की, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, इसकी आना वाला जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है, और एज पर इंफॉर्मेशन लाखों करोड़ रुपए की फसलें कीड़े और बीमारियों के कारण से खेतों में बर्बाद हो जाती हैं, और अगर ये पेस्टिसाइड्स का यूसेज अगर इंडिया में भी बढ़ जाए तो मैं समझता हूँ कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में ये भी काफ़ी रूप से सहायक सिद्ध होगा। यानी कि जो आप बता रहे हैं कि जो लाखों करोड़ों रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाता है, अगर सही जानकारी, सही सल्यूशन, सही प्रोडक्ट और सही समय पर उनको मिले तो वही पैसा किसानों की आमदनी को दोगुना तिगुना कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो ये जो धानुका के जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं केशवाना में, जहाँ पर है इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए इसकी चिंता प्रधानमंत्री को भी है। जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर किसानों की आमदनी को दोगुना करने की कवायद जारी है। जी हाँ, इस वक्त हम हैं धानुका एग्रीटेक प्लांट में। किसानों की फसल और बढ़ जाए, उनके खलिहान भर जाए, यहीं से ये कोशिश की जाती है। कैसे, आइए दिखाते हैं। पर खड़ी हूँ देश का सबसे बड़ा, सबसे हाईटेक कृषि रसायन बनाने वाला प्लांट है। जी हाँ, ये है धानुका एग्रीटेक की वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि है केशवाना
राजस्थान में। ये देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम भी होता है। इस प्लांट की खूबियों के बारे में ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ है जनरल मैनेजर अनुज गर्ग। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? बहुत बहुत स्वागत है अनुज। इतना बड़ा प्लांट है, इतने एकड़ में फैला हुआ है, इसको हाईटेक क्यों कहा जाता है? हाईटेक का मतलब है कि हमने सारी हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है। लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट ऑटोमेशन का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। हमारे जितने भी प्रोसेस हैं, अनलोडिंग से लेकर के प्रोसेस मशीनरी तक, हमारे सब ऑटोमेटिक हैं। हमारा फॉर्मुलेशन एरिया में जितनी भी चार्जिंग होती है वो हम कैलिब्रेटेड वेइंग बैलेंस से यूज़ करते हैं। ऑटोमेटेड हमारे मिक्सर्स हैं, होल्डिंग टैंक्स हैं, फिलिंग मशीन, हमने वेइंग फिलिंग मशीन ली हुई है जो प्लस माइनस 2 ग्राम तक एक्यूरेसी देती है। हर चीज़ के चेक पॉइंट्स लगाए हैं। बॉटल लीकेज के लिए हमने पोस्ट फील लीक डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो एक बहुत क्वालिटी के मापदंडों पर खरा उतरता है। हम क्वालिटी में ISO 9001 सर्टिफाइड हैं, हम ISO 14001 एंड ISO OSHA 18001 सर्टिफाइड हैं, जो ये इंश्योर करती है कि हमारा पूरा प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। सब चीज़ों के लिए SOP बनाए हुए हैं और सब चीज़ों की ट्रेनिंग देने के बाद ही हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी लगाई है जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में बेस्ट है और सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किए हैं। हमारी लेबोरेटरी NABL सर्टिफाइड है। 4-stage क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसीट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउस कंट्रोल है। ये एक 0 discharge फैसिलिटी है। हमारा प्रोसेस एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, लॉट ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं, बट उस पानी को हम कहीं भी बाहर नहीं भेजते हैं। इस प्लांट के अलावा हम इसको ETP और STP में ट्रीट करते हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर डोमेस्टिक एफ्लुएंट। दोनों प्लांट हमने यहाँ पर लगाए हैं। जो भी वाटर जनरेट होता है उसको हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं और उसको फर्दर गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली मिलती नहीं हैं। हमने यहाँ पर एक राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहती है। जो भी रेन वाटर होता है उस पानी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमने एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया है। जो भी पानी आता है हम वो वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और जितना पानी हम यूज़ करते हैं उससे दुगना पानी हम ग्राउंड को रिचार्ज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस प्लांट को डिज़ाइनिंग में हमने यूज़ किया था। पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, बिल्डिंग प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ यूज़ की हैं, जैसे ELCB हैं, हमारा लाइटिंग प्रोटेक्शन है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, इन सब चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। काफ़ी अहम और दिलचस्प बातें आपने हमें बताई। तो आज हमने जाना कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को किस तरह से तैयार किया जाता है। हाईटेक फैसिलिटी से लेकर स्किल्ड वर्कर्स तक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पर्यावरण को भी महफूज रखा जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट इस प्लांट से निकलेगा वो नंबर 1 तो होगा ही। वाकई धानुका किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कृषि और कृषि से जुड़े निकायों जिन्होंने कृषि जगत में अभूतपूर्ण योगदान दिया है, धानुका उन्हें सम्मानित करने जा रही है इनोवेटिव एग्रीकल्चर अवार्ड से, जिसके लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। दलहनी फसलें भारतीय कृषि की अभिन्न अंग हैं। ये मानव स्वास्थ्य को सुधारते हैं। आज का किसान सोयाबीन की खेती से बहुत लाभान्वित भी हुआ है, पर इसकी उत्पादकता अभी भी बहुत कम है। स्पॉटलाइट एन ABP न्यूज़ नेटवर्क इनिशिएटिव।